नंबर 71 में और हमारे साथ है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट विक्रम फर्नांडिस जी और हम उनसे सीधे संवाद कर गए कि किस मुद्दे पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनका घोषणा पत्र क्या होगा और यदि वो नगर से अब छुटके आते हैं तो क्या क्या काम पहले करना चाहिए। विक्रम जी बहुत बहुत स्वागत है रिजन इंडिया में, किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ रहे हो और क्या क्या सोशल इश्यूज आपके क्षेत्र में है? जी सोशल इश्यूज तो काफ़ी है, पहले तो पेंडिंग इश्यूज इतने सारे हैं, अभी तक पानी का प्रॉब्लम चल रहा है, डेंगू का प्रॉब्लम चल रहा है, जो बच्चों के लिए बड़ों के लिए जो काफ़ी चीज़ें होनी है जो अभी तक हुई नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे को ऐसी चीज़ें करनी है जो पिछली चीज़ें जो है वो कंप्लीट करनी है जो लोगों ने कंप्लीट नहीं की है, और मेरे नए मुद्दे भी हैं जो मैंने ऑलरेडी पैम्पलेट में डाले हुए हैं। सेकेंडली जैसे मैं यहाँ पे पैदा हुआ हूँ तो मैं ये चीज़ों को जानता हूँ करेक्टली और 11 साल से पॉलिटिकल इसमें हूँ मैं और करेंटली अभी 6 साल से सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट था मैं, लेकिन टिकट ना मिलने के कारण और मेरी उम्र 40 है अभी करेक्ट टाइम है मुझे चीज़ों करने के लिए, तो मैं ये कर रहा हूँ अभी चीज़ें। और ये एक मेरी फैमिली है, मेरे इसमें पैम्पलेट में भी लिखा है माय वॉट माय लाइफ, सो ये मुझे अभी करना ही है, तो मेरे कोई ऑप्शन नहीं था, टिकट ना मिलने पे मैं चुप नहीं बैठ सकता था, तो मैं अभी कर रहा हूँ ये। तो काफ़ी इश्यूज़ है जो मैंने मेंशन किया और रैंडमली मुझे याद नहीं आ रहे। नए मुद्दे जो ऐसे हैं जैसे बच्चों के लिए कुछ करना है, जो बच्चे ज़ीरो इनकम ग्रुप के हैं जिनके लोगों के लिए पढ़ने के लिए सुविधा नहीं है वो करनी है मुझे, फिर स्पोर्ट्स के लिए जैसे आपके यंगस्टर्स हैं उनको बहुत इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में खेलना और यू नो वर्ल्ड लेवल पे अभी चीज़ें हो रही है, तो मैं एक्चुअली मेरे वर्ल्ड लेवल पे कुछ शुरू करना चाहता हूँ जो किसी वार्ड ने सोचा नहीं है, मैं और कुछ करके दिखाएंगे जो पॉलिटिकल लोग नहीं करते हैं। हम सोशल लोग हैं लेकिन पॉलिटिक्स में आना पड़ता है क्योंकि फंड्स वहीं से आते हैं, सोशल एक्टिविटी में फंड्स नहीं होते हैं तो पॉलिटिकल में आना होता है। और मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ भले यंगस्टर्स हो सब लोग पॉलिटिकल में इंटरेस्ट लो, ज़रूरी नहीं पूरा दिन देना होता है, 10% दो 20% दो, अपने काम के हिसाब से दो टाइम के हिसाब से दो, तो एटलीस्ट यू कैन डायरेक्ट द कंट्री विच वे यू वांट टू गो। ऐसे नहीं कि एज होने के बाद मुझे आना है, मैं 50 होऊंगा तब आऊँगा 40 होऊंगा तो आऊँगा, ऐसे मत करो, 20 में आ जाओ 10% दो 5% दो 50% दो 100% दे सकते 100% दो, 20 की उम्र में आओ तो एटलीस्ट यू कैन गिव अ शेप टू द कंट्री। और काफ़ी चीज़ें एक्शन में होंगी जो मैं सोचता हूँ और होनी चाहिए बिकॉज वी आर सो बैड, बिकॉज आई एम गोइंग ऑल थ्रू द कंट्रीज, आई बिन टू ब्राज़ील, आई बिन टू लंदन, आई बिन टू बैंकॉक, ऑल दिस इतने वेल सेटल्ड हैं उन लोग, गरीब देश होने के बाद सब चीज़ होती है उनके पास, ये सब जो प्रॉब्लम इंडिया में बॉम्बे में होती है वैसी प्रॉब्लम्स कहीं नहीं होती है। और मैं बहुत ही ड्रिवन हूँ वो चीज़ से, और मुझे स्पेशली अभी तो मैं प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बन सकता हूँ लेकिन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मेरे वार्ड से और मेरे वार्ड का सपोर्ट चाहता हूँ कि मुझे भारी मतों से जिताई है और विक्टर फर्नांडिस को कुछ करने दीजिए, जिनकी निशानी है चाय किटली टी केटल और मैंने अपने फैमिली में सारी चीज़ें बताई है, सो प्लीज़ डू वोट फॉर मी टी केटल, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद विक्टर जी, अपने पाकिस्तान से हमेशा हमेशा मिल गया, थैंक यू, थैंक यू। एक चाय दो खारे।